हाँ जी फ्रेंड्स, कनाडा में आके अपना पहला कार लेने की प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो कि डाउन पेमेंट जोड़ के रखनी है कि थे रखी जावे, RRSP विच जिन्ना जोड़ सकते सी जोड़िया, हुण इस तो उपरली सेविंग किथे करिए जिथे टैक्स भी ना लगे ते ग्रोथ भी टैक्स फ्री होवे, ते जे कोई रकम कटवाई जावे तो वह भी मिले टैक्स फ्री। अज के एपीसोड में असं गल करांगे एक ऐसे सेविंग अकाउंट की जिस विच तुसी कनाडा विच अपना पहला घर खरीदण लई ना सिर्फ डाउन पेमेंट जोड़ सकोगे बल्कि रकम कढ़वाने समय टैक्स देने तो भी बच जावोगे। इस एपीसोड में जिक्र करांगे एक अजिहे इनफोरमेटिव फंडे की जिहड़ा आसान कर सकता है कैनेडा विच तुहाडा पहला घर लैण दा सपना। तो चलो शुरू करते हैं फिर इनफॉर्मेशन शेयरिंग का सिलसिला। पर हाँ, एक गल तो जरूरी रह ही गई, जेकर तुसी अजे तक साडा चैनल लाइक शेयर ते सबसक्राइब नहीं किया तो जल्दी नाल साडा चैनल लाइक शेयर ते सबसक्राइब कर दिओ ताकि असी तुहाडे लेके आउंदे रहिए नवी नवी जानकारियां वाले फंडे। जिस रफ्तार नाल घरां दी कीमतां विच वाधा हो रहा तो मॉर्गेज दीआं दरां वध चुकियां ने, इह सब नूं वेख के लगता है कि बहुत सारे कैनेडियनस दा घर लैण दा सपना सच हो पाना मुश्किल है। पर घर लैण दी ख्वाहिश तो लगभग सारिआं दी ही हुंदी है। हुण जेकर इरादा बन ही गया तो फिर इसकी शुरुआत यानी कि प्लैनिंग जल्दी तो जल्दी शुरू कर लेनी चाहीदी है। जिवें कि असीं जाणदे हां कि घर खरीदना होवे तो शुरुआत करनी पैंदी है डाउन पेमेंट तो। कहिंदे आ ना कि बूंद बूंद नाल ही तो सागर भरदा है, तो फिर ये बूंद बूंद यानी कि डाउन पेमेंट लई रकम कित्थे इकट्ठी कीती जावे ताकि जदों सानूं लोड पवे तो असीं इस नूं वरत सकीए। पहलां तां असीं अपनी सेविंग्स RRSP या TFSA विच जोड़ लैंदे सी ते लोड पैण ते वरत लैंदे सी, पर RRSP जिथे टैक्स बचाउण दे नाल नाल फस्ट टाइम होम बाय प्लैन विच कम आउंदा सी, उत्थे इस नाल इक बंदिश वी सी कि इस विचों कढवाई गई रकम अगले 15 सालां विच मोड़नी पैंदी है। तो जे अजिहा नहीं करते तो फिर कटवाई हुई रकम पर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। तो दूसरा TFSA जिथे जमा करवाते टैक्स नहीं लगता, ग्रोथ उत्ते कोई टैक्स नहीं, ना ही रकम कढ़वाने उत्ते कोई टैक्स, पर हाँ टैक्स की भी कोई छूट नहीं मिलती। तो फिर एंट्री हुई FHSA यानी कि फर्स्ट टाइम होम सेविंग्स अकाउंट की, जिस विच RRSP वाग मिलती है टैक्स से छूट, तो TFSA वाग ग्रोथ के विड्रॉल से नहीं लगता कोई टैक्स, यानी कि RRSP ते TFSA नूं मिला के बनाया गया एक नवा प्लान। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि RRSP या फिर TFSA विच कंट्रीब्यूशन करने की लोड़ नहीं है। FHSA तो सेविंग करने की एक एडिशनल साधन है जिस तरह कैनेडा विच घर लैण दा सपना किया जा सकता है का पूरा। FHSA यानी कि फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट, इसकी शुरुआत इसी साल 1 अप्रैल 2023 नूं कीती गई है। इस अकाउंट में शुरू करने का मकसद है कैनेडियनस लिए अपने पहले कर की बचत करने के नाल नाल टैक्स तो राहत। इस अकाउंट में खोलने लिए कुछ शर्तों को पूरा करना पैंदा है। इसकी पहली शर्त है उम्र का 18 से 71 साल के विचकार होना, कुछ प्रोविंस के निचली उम्र 19 साल भी हो सकती है। इस अकाउंट में खुलवाने की दूसरी शर्त है कैनेडियन रेजिडेंसी, हुण इस रेजिडेंसी का मतलब परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीजनशिप नहीं है। CRA की वैबसाइट पर जाकर तुम इस रेजिडेंसी की डेफिनेशन बेहतर तरीके समझ सकते हो। FHSA नूं खुलवाने की तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है तुहाडा फर्स्ट टाइम होम बायर होना। यह फर्स्ट टाइम होम बायर कौन हुंदा है इसनों समझना बहुत जरूरी है। FHSA नूं खुलवाने लई तुसी फर्स्ट टाइम होम बायर तद ही मन्ने जावोगे अगर तुसी या फिर तुहाडे स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर कोल पिछले 4 सालों में कोई क्वालीफाइंग होम एज अ प्रिंसीपल रेजिडेंस इकल्या या फिर जॉइंट ओनरशिप विच ना होवे। हुण इत्थे क्वालीफाइंग होम तो भाव है कि यह घर कैनेडा विच होना चाहिए है, ऑलरेडी बनिया होवे या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन होवे। एक क्वालीफाइंग होम विच सिंगल फैमिली होम, सैमी डिटैच, टाउन होम, मोबाइल होम, कॉन्डोमिनियम यूनिट्स, अपार्टमेंट्स इन ड्यूप्लैक्सिस, ट्रिप्लैक्सिस, फोरप्लैक्सिस और अपार्टमेंट बिल्डिंग शामिल हो सकते हैं। इत्थे एक होर कंडीशन जिहड़ी FHSA अकाउंट खुलवाने समय पूरी करनी पैंदी है वह है SIN नंबर। पर जेकर तुसी अजे कैनेडा विच नवें नवें आए हो तो अजे तक SIN नहीं मिलिया तो तुसी टैंपरेरी टैक्स नंबर ओपन करके भी अकाउंट खुलवा सकते हो। तो हुण अगर तुसी इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर वर्क परमिट होल्डर हो तो भी तुसी FHSA अकाउंट खुलवा सकते हो। पर एक गल इस अकाउंट नूं खुलवाने लई होर है कि इहदी एलिजिबिलिटी होनी चाहीदी है। तो हुण गल करदे हां कि अकाउंट तां खुलवा लिया तो हुण इस विच किन्नी रकम जमा करवाई जा सकदी है। इस अकाउंट नूं खुलवाने नाल इनकम टैक्स विच की फायदा हुंदा है, FHSA विच किन्नी रकम ते कदों इह रकम कढवाई जा सकदी है, FHSA खुलवा लिया पर घर नहीं खरीदिया ते जमा हुई रकम दा की बनेगा, FHSA विचली रकम कित्थे इनवैसट कीती जांदी यानी कि किहड़ियां क्वालीफाइड इनवैसटमेंट्स हुंदियां ने, FHSA कदों बंद हो जाएगा, तो होर भी सवालों के जवाब डिस्कस करांगे असीं एपीसोड दे विच। पर आओ सब तो पहला गल करिए कि FHSA विच यानी इक्को वारी किन्नी इकट्ठी रकम जमा हो सकती है।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ FHSA 1 April 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ $8,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾ ਕੇ $8,000 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 1 January ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 December ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੂਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੂਮ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ $16,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ FHSA ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ $40,000 ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ $40,000  5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ FHSA ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ FHSA ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ $40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ 1% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਨਲਟੀ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਧੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ FHSA ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਲਈ ਰਕਮ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਖੁਲਵਾ ਲਿਆ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆਂ RRSP ਜਾਂ ਰਿਫ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ FHSA ਨੂੰ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ RRSP ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਪਲਾਨ ਹੇਠਾਂ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਹੋਈ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ FHSA ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? FHSA ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਗਰੋਥ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਤਦ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ RRSP 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ FHSA ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। RRSP ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ FHSA ਵਿਚਲਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੂਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ FHSA ਵਿਚਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਚਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ RRSP ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ $35,000 ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਨੇ FHSA ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਖੁਲਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ $40,000 ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ $75,000 ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ RRSP ਅਤੇ FHSA ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਪਲ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ FHSA ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ RRSP FHSA ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ $1.5 lakh ਤੱਕ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ FHSA ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਵਿਦਡਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਮ RC-725 ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਡੇਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 1 October ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਨਾ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ
बनी रहनी चाहिए है तो घर खरीदन या बनाउन ते एक साल दे विचकार तुहानू इस घर नू बतौर प्रिंसिपल रेजिडेंस बनाउणा पएगा। इत्थे मैं दो इंपोर्टेंट पॉइंट जरूर दस देवां FHSA खुलवाउण समय। फर्स्ट टाइम होम बायर की परिभाषा इस अकाउंट विचों रकम कढ़वाउण वेले ते फर्स्ट टाइम होम बायर की परिभाषा इस अकाउंट नू शुरू करन वेले अलग अलग होंदी है। ते दूसरा RRSP वांग इस FHSA विच जमा कराउण तो बाद 90 दिनों तक की वेट करन की लोड़ नहीं है। तुसी अज चाहो रकम जमा करवा दिओ, अगले दिन भावें रकम कढ़वा के तुसी वरत सकते हो। पर इत्थे ध्यान रखने वाली गल है कि अगर ये रकम कैनेडा विच अपना पहला घर खरीदने लिए कढ़वा रहे हो तो टैक्स फ्री है, पर जे कोई होर एमरजेंसी लिए तुसी इस अकाउंट चो रकम कढ़वाई तो फिर तुहानू टैक्स लगेगा। इस एपीसोड विचली जानकारी इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं, एक आम जानकारी है। हुण तुहाडे लई FHSA ठीक रहेगा, RRSP या TFSA इसलिए बेहतर है कि तुसी अपने फाइनैंशियल एडवाइजर नाल संपर्क करो। FHSA नूं लैके अजे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिहड़े कि डिस्कस किए जा सकते हैं, पर अज दे इस एपीसोड दे विच अखीर विच एक इंपोर्टेंट पॉइंट होर डिस्कस करना चाहवांगा, इस FHSA नूं कित्थे खुलवाया जा सकता है। अगर FHSA खुलवाना होवे तां तुसी बैंक, क्रेडिट यूनियन, किसी ट्रस्ट या फिर इंश्योरेंस कंपनी नाल संपर्क कर सकते हो। जेकर तुसी किसी इंश्योरेंस एडवाइजर नाल जुड़े ही होए हो तो फिर तुहानू ये FHSA विचली रकम नूं सैग्रीगेटेड फंड्स विच इनवैसट करन दे बेनीफिट्स बारे तुहाडा एडवाइजर तुहानू दस सकदा है। और इत्थे जिक्र योग है कि सैग्रीगेटेड फंड्स विच इनवैसटमेंट करना बेनीफिट्स जिहड़े हैगे ने बैंक दे इनवैसटमेंट दे बेनीफिट नाल डिफरेंट होंदे ने। हुण एक अकाउंट कित्थे खुलवाना है ये फैसला तुहाडा है, पर इंपोर्टेंट है प्लैनिंग शुरू करनी क्योंकि टारगेट वड्डा है ते तैयारी भी वड्डी होनी चाहीदी है। उम्मीद है अज्ज दे इस एपीसोड दे विच FHSA नूं लैके कुछ फंडे क्लीयर होए होणगे ते आउण वाले एपीसोड्स विच FHSA और होम बायर्स प्लान नूं लैके भी असीं कुछ जानकारी सांझी करांगे, पर तुहानूं ये जानकारी लगातार मिलती रहे और कोई भी जानकारी तुसीं मिस ना करो, इसलिए बहुत जरूरी है साडे इस चैनल नूं लाइक शेयर ते सबसक्राइब करना। और जेकर तुसीं हुण तक साडा चैनल लाइक शेयर ते सबसक्राइब नहीं कीता तो जल्दी नाल साडा चैनल लाइक शेयर ते सबसक्राइब कर दिओ, नहीं तो फिर यू विल मिस सिंह दे फंडे।